एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे टाइट्रेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड विद KMnO4। ऑक्सैलिक एसिड को KMnO4 के साथ में किस तरीके से टाइट्रेट करते हैं, कितना आपको वे करना होता है और कैसे कैसे हम प्रोसीजर को करते हैं, वो हम पूरा इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें कैलकुलेशंस देख लेते हैं, उसके बाद में हम इसमें सॉल्यूशंस की प्रिपरेशन एंड पूरा प्रोसीजर इसमें देख लेंगे। तो इसमें आपको क्या चाहिए होता है टाइट्रेशन के लिए, जो आपके बेसिक अपैरेटस हैं, जैसे कि आपका ये टाइट्रेशन के लिए स्टैंड चाहिए आपको, क्लैंप स्टैंड, ब्यूरेट चाहिए जिसमें हम KMnO4 को फिल करेंगे, बिकॉज KMnO4 के साथ में टाइट्रेशन है। आपके पास में KMnO4 का सोल्यूशन होना चाहिए, पिपेट, ये स्टैंडर्ड फ्लास्क जो कि 100 ml का वॉल्यूमेट्रिक है, ये टेस्ट ट्यूब हमें चाहिए बिकॉज हमें इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना होगा, ये स्पैचुला है वेइंग के लिए, कॉनिकल फ्लास्क जिसमें हम टाइट्रेशन करेंगे, ये फनल है, इससे आप स्टैंडर्ड जो आपको सोल्यूशन प्रिपेयर करना है उसमें भी हेल्प ले सकते हो, और आप जो ब्यूरेट के अंदर फिल करते हैं सोल्यूशन वो भी आप इससे कर सकते हो रिंस करने के बाद। और इसके साथ में आपको वॉश बॉटल चाहिए। ये सब बेसिक अपैरेटस है जिनकी आपको टाइट्रेशन के लिए नीड होगी। और इसके अलावा आप लैब कोट का यूज करिए, और आप चाहे तो इसमें ग्लव्स भी पहन सकते हैं बिकॉज इसमें हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हैं, और जितने भी प्रिकॉशंस हैं जैसे कि हम ऑक्सैलिक एसिड के लिए हीटिंग वगैरह करते हैं, तो इन चीजों का भी आप जो है प्रिकॉशंस ले सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। बाकी अब हम जो है इसमें प्रोसीजर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको M/20 का स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन प्रिपेयर करना है 100 ml के स्टैंडर्ड फ्लास्क में। देखिए, तो सबसे पहले आप इसके लिए कैलकुलेशंस करते हैं कि हमें कितना वे करना पड़ेगा, ठीक है, कितना हमें वे करना पड़ेगा अगर मेरे को इतना सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको देखना होता है कि कितना मुझे प्रिपेयर करना है, M/20 का प्रिपेयर करना है और ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑक्सैलिक एसिड का हम निकालेंगे क्या, मोलर मास, क्योंकि मोलैरिटी यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ना, तो हम ऑक्सैलिक एसिड का मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास भी मैं आपको निकाल कर दिखा देती हूँ, देखो C=OH O2H2O, ये आपका क्या है, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है। ये ऑक्सैलिक एसिड के अंदर देखो आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये तीन चीजें आपकी। तो यहां पर देखिए कार्बन का कितना होता है 12, कार्बन यहाँ पे आपके हैं कितने, 2 है, तो 2 कार्बन का हो गया 12×2 प्लस हाइड्रोजन का जोड़ लो, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 ये और 2 ये, 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 6 का कितना हो जाएगा 6×1 प्लस ऑक्सीजन देखो कितने हैं, 2 ये रहे और 4 ये रहे, तो 6 हो गए ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 6 का कितना हो जाएगा 16×6। अब इनको जोड़ लो, तो ये आपका कार्बन के लिए लिखा हुआ है, ये आपका हाइड्रोजन के लिए है और ये आपका ऑक्सीजन के लिए है, तो CHO। अब यहाँ पे इसको जो है प्लस कर लेते हैं 24, 6, 16, 6, 96, ठीक है, तो 96 है और 24 है, 126 ग्राम पर मोल होता है ऑक्सैलिक एसिड का मोलर मास। तो ऑक्सैलिक एसिड का जो मोलर मास है वो कितना है आपका, 126 ग्राम पर मोल है। अब आपका फॉर्मूला क्या है, देखिए मोलैरिटी में हम बना रहे हैं सॉल्यूशन, तो M/20 को मैं बोल सकती हूँ कि ये 1/20 मोलर है, ठीक है, इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं। अब देखिए मोलैरिटी का फॉर्मूला कितना होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहां पर आएंगे आपके सॉल्यूट के मोल्स, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नीचे आपको क्या आएगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा लेकिन लीटर में। अब देखो यहां पे आप मोलैरिटी में बनाते हो ना सॉल्यूशन, तो आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज करना होता है इसके अंदर, तो यहां पर आपकी मोलैरिटी जो है यहां पर फॉर्मूले में ये दी हुई है, कितनी है, 1/20 मोलर है, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या आपके मोल्स हैं, तो मोल्स को हम कैसे लिख सकते हैं, मोल्स जो होते हैं वो क्या होता है, मास डिवाइड बाय मोलर मास, मोल्स का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है मास डिवाइड बाय मोलर मास। अब जब मैं सॉल्यूट के मोल्स की बात कर रही हूं, तो मास भी किसका होगा, सॉल्यूट का, मोलर मास भी किसका होगा, सॉल्यूट का, सॉल्यूट है कि आपका ऑक्सैलिक एसिड है जिसका सॉल्यूशन बना रहे हो, तो यहां पर मोल्स जो है
इनको मैं लिख सकती हूं मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। अगले लाइन में मैं थोड़ा थोड़ा इसको जो आपको लिख के दिखा देती हूँ। देखो मोलैरिटी मुझे दी हुई है 1/20 है, तो 1/20 लिख लेते हैं इज इक्वल टू। राइट हैंड साइड में देखो यहां पर है सल्यूट के मोल्स, तो सल्यूट के मोल्स तो मुझे पता नहीं कितने हैं, लेकिन मोल्स को हम लिख सकते हैं मास बाय मोलर मास। तो मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो ये वही मास है जो आपको वे करना पड़ता है ये सोल्यूशन बनाने के लिए। तो वो मास हमें निकालना है, वो मास हमें पता नहीं है, वो मास हम यहाँ से फॉर्मूले से निकालते हैं कि मैं कितना जो है ऑक्सैलिक एसिड वे कर लूं कि मेरा इतना इतना सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाए 100 ml के स्टैंडर्ड फ्लास्क में। तो ये वाला जो मास है ना ये हमें नहीं पता होता है, तो यहाँ पे हमेशा जहां मास है उसको आप मान लो कि ये एक्स है, तो मास कितना हो गया आपका एक्स ग्राम हो गया। मास के नीचे डिवाइड हम किससे करते हैं, मोलर मास से करते हैं। मोलर मास मैंने अभी निकाला ऑक्सैलिक एसिड का 126 ग्राम पर मोल होता है, तो ये हो गए आपका मास। नीचे क्या लिखोगे डिवाइड में, मोलर मास 126 ग्राम पर मोल है, ठीक है ऐसे। अब देखो ये हो गए आपके मोल्स, मोल्स को मैंने लिख दिया मास बाय मोलर मास। अब आओ फॉर्मूले पे, फॉर्मूले में है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो यहाँ डिवाइड में मतलब इसके साथ में यहाँ पर क्या आएगा सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा। तो हम कितने में प्रिपेयर कर रहे हैं, देखो 100 ml का हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, लेकिन जो फॉर्मूले में मांगा है वो है लीटर में, और आप किस में बनाना चाह रहे हो ml में, तो आपको तो 100 ml बनाना है ना कि आपको लीटर में प्रिपेयर करना है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या लिखोगे, जो आपका वॉल्यूम है आप देखो किस में बना रहे हो, 100 ml में बना रहे हो, आप यहाँ पर लिख दो 100 ml। अब जो फॉर्मूले में मांगा है क्योंकि वो लीटर में मांगा है यहाँ पर फॉर्मूले के हिसाब से, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो आप इस ml को लीटर में चेंज कर दो। अब यहां पर मैं डायरेक्टली ना इस तरीके से लिख देती हूँ 100/1000, क्यों, क्योंकि आपको ml से आपको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, तो ये 1000 आपका इस 100 के नीचे आएगा, तो ये आपका डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है, तो ये 1000 जो है ये आपका यहाँ से ऊपर चले जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई भी कर देना होता है। ऐसे करके आप यहाँ से इसका मास निकाल सकते हो। मैंने कैसे किया है, मोलैरिटी आपको पता ही थी, रख दी 126 ग्राम पर मोल, अभी मोलर मास निकाल दिया। नहीं पता होता तो आप निकाल सकते हैं किसी को भी, ठीक है, फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। मास हमें निकालना होता है कितना आएगा यहाँ पर, इसमें कितने सोल्यूशन जो है इसका हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए कितने का भी बनाना है, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। ऊपर आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमिनेटर वाली टर्म में, तो ऊपर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, क्यों, क्योंकि ml को हमें लीटर में चेंज करना था इसलिए। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला हो गया। अब यहां से आपको क्या निकालना है, ये वाली x की वैल्यू निकालनी है। x अगर आप निकालना चाहोगे तो x बराबर हो जाएगा 126 और 100 चल जाएगा ऊपर, तो आपका कितना हो जाएगा 126 × 100 डिवाइड में, नीचे आपका ये इधर 20 था, ये 1000 और नीचे आ जाएगा, तो ये 1000 आपका नीचे आ गया। इसे जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो ये सारे जीरो आपके कट जाएंगे, और यहां पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.63 आएगा। अब जब हम वे कर रहे होते हैं ना, तो ये चीज आपकी ग्राम में है, 0.63 ग्राम्स है। अब एक्स क्या माना था मैंने, मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड जो हमें वे करना है, तो 0.63 ग्राम्स आपको वे करना है ऑक्सैलिक एसिड। जो हमारा वेइंग बैलेंस होता है ना उसके अंदर यहाँ पे आपका ऐसे डिस्प्ले होता है, तो उसके अंदर आपके 0.000, अब 3 decimal तक वाला भी होता है और 4 decimal वाला तक भी होता है, तो यानी कि अगर कहीं पर लिखा है कि 0.63 वे करके ला, ठीक है, तो उसका मतलब है कि 0.6300 वे करना है आपको, ठीक है, तो यानी आगे वाली जो वैल्यू है ना वो जीरो है, तो आपको इतना वे करना है। तो अब जब आप वे करोगे तो आपको सिंपल इतना वे करना है कि 0.630 हो आगे, बस इतना। तो मैं अभी आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी, मैंने पूरा वे करके दिखाया कैसे कैसे करते हैं, और आगे का भी पूरा प्रोसीजर है, तो आप जो है कंटिन्यू देख सकते हैं। अभी क्या है कि यहाँ पर 0.63 आया था सॉल्व करने के बाद में, तो अप टू 3 decimal points मुझे दिख रहा था, तो यहाँ पर इसको आपको वे कितना करना है 0.630, ऐसे नहीं कि 0.635 0.639 ऐसे कर ले, 0.630 होता है, इसको सिंपल मीनिंग ये है। तो ये आपको एग्जैक्ट इस तरीके से वे करना होता है। आइए अब हम आगे का प्रोसीजर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, तो यहाँ पर ये जो वेइंग बैलेंस है इसे हम ऑन कर देंगे, और उसके बाद में हम यहाँ पर ये
बटन प्रेस करेंगे आपको उस तरीके का डिस्प्ले शो होगा और फिर यहाँ पे आपको ये वे करने के लिए दिखाएगा। तो अभी यहाँ पर ये अप टू 3 डेसिमल पॉइंट्स तक है, ग्राम्स में आपको वे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं ऑक्सैलिक एसिड प्यूरिफाइड, इसे हमें वे करना है 0.63। तो ये आप देख सकते हो, इसको हम ओपन कर लेते हैं और इसके बाद में हम यहाँ पर रख देते हैं, ये मैंने पेपर रखा है। और इसके बाद में आपको जो भी यहाँ पर वे शो होगा इसमें हम टेयर दबा देंगे। जैसे ही आप टेयर प्रेस करोगे तो इसका वे जो है ये माइनस हो जाता है और ये जीरो पे पहुंच जाएगा। इसके बाद में हम वे करेंगे यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड। तो इस तरीके का ये ऑक्सैलिक एसिड है, हमें लेके जाना है 0.63 पे। 0.63 का मतलब है कि आगे की जो वैल्यू है वो 0.00 रहेगी, 0.630। तो अभी 0.323 हुआ है, अभी हम इसमें और ऐड करेंगे। तो यहां पर 0.630 ग्राम्स वे हो गया है ऑक्सैलिक एसिड। अब आप इसको निकाल सकते हैं और इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे अब 100 ml के स्टैंडर्ड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर। सो मैंने ये 250 ml के स्टैंडर्ड फ्लास्क के अंदर KMnO4 का सोल्यूशन प्रिपेयर किया है, इसको हम फिल करेंगे ब्यूरेट में। तो जितने भी आपके टाइट्रेशन के अपैरेटस हैं, सबसे पहले इन सबको हम सोप सोल्यूशन से वॉश करते हैं अगर ये डर्टी हैं तो। उसके बाद में हम इनको डिस्टिल वाटर से वॉश करते हैं। तो यहाँ पर डिस्टिल वाटर से मैंने इसको वॉश कर लिया है जो स्टैंडर्ड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, ये जो है ये 100 ml का है। अब ये जो क्रिस्टल्स हैं ऑक्सैलिक एसिड के जो मैंने वे किए हैं 0.6300 ग्राम्स, तो यहाँ पर इस फनल को भी हम वॉश कर लेते हैं डिस्टिल वाटर से। तो फनल को मैंने इसके अंदर वॉश कर लिया है इस तरीके से। अब ये जो क्रिस्टल्स हैं इन्हें हम डालेंगे फनल की हेल्प से इसके अंदर। तो आप सारे एक साथ में ऐसे डाल सकते हैं और सारे क्रिस्टल्स आपके अंदर चले जाने चाहिए फनल के, एक भी क्रिस्टल बाहर नहीं गिरना चाहिए, अदरवाइज आपका वो पूरा गलत सोल्यूशन बनेगा अगर इधर उधर आपके क्रिस्टल्स ये चले जाएंगे। अगर यहाँ पे कोई स्टिक कर गया होता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई स्टिक कर गया क्रिस्टल, तो हम इस वॉश बॉटल में जो डिस्टिल वाटर है इसी के साथ में उनको नीचे लेकर आ जाएंगे इस फनल में। तो जो भी क्रिस्टल जो है स्टिक कर गए होंगे उनके साथ में हम इसके ऊपर से डाल सकते हैं, तो वो क्या होगा कि डिस्टिल वाटर के साथ में ना वो इसी सोल्यूशन के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो अगर क्रिस्टल स्टिक कर गए हैं तो उसमें भी हम ये डिस्टिल वाटर ऐड कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। अभी यहाँ पर डिस्टिल वाटर फिनिश हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो क्रिस्टल्स हैं इनको हम मिनिमम अमाउंट ऑफ डिस्टिल वाटर लेके वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं। सबसे पहले पहले आप वॉल्यूम मेकअप नहीं करोगे इसके अंदर सोल्यूशन भर के, पहले आपको जो क्रिस्टल है उन्हें डिजोल्व करना होता है। उसके बाद में जब वो डिजोल्व हो जाए तब हम इसके अंदर ये जो मार्क दिया होता है यहाँ तक हम इसमें डिस्टिल वाटर ऐड कर देते हैं। तो पहले हम ये जो क्रिस्टल है इनको हम डिजोल्व करेंगे। आप देख सकते हो नीचे क्रिस्टल्स हैं इसके। जैसे मोर सॉल्ट के अंदर हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, इसके अंदर हम कुछ ऐड नहीं करेंगे, ये आपका पूरा क्लियर सोल्यूशन मिल जाएगा इस तरीके से। तो ये हो गए क्रिस्टल्स डिजोल्व। अब इसके अंदर हम वॉल्यूम मेकअप कर देंगे। पहले मैं इसको फिल करके ले आती हूँ। तो यहाँ पर जो ये मार्क लगा हुआ है यहाँ तक मैं चाहूँ तो डायरेक्टली डिस्टिल वाटर से भी फिल कर सकती हूँ, बट आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ तक मैंने पहले फिल किया है डिस्टिल वाटर से, बिकॉज सबकी एक्यूरेसी इतनी नहीं होती है कि वो डायरेक्टली जो है इस मार्क तक टच कर पाएं। तो फिर हो सकता है कि आप जब डिस्टिल वाटर इससे डालोगे वॉश बॉटल की हेल्प से तो आपका जो वाटर है वो ज़्यादा ऐड हो जाएगा, तो आपका सोल्यूशन वो पूरा खराब हो जाएगा, तो वो आपका गलत सोल्यूशन बनेगा, फिर आपको दोबारा से प्रिपेयर करना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पे हम डालेंगे पिपेट की हेल्प से जो लास्ट का वॉल्यूम होता है उसको। तो उससे क्या होता है कि आप ड्रॉप वाइज ऐड करोगे इसके अंदर तो आपका एक्यूरेट सोल्यूशन बनेगा इसी मार्क तक। तो आप थोड़ा सा सोल्यूशन जो है इसमें से पिपेट आउट कर सकते हो।
ये आप देख सकते हो यहाँ पे, और सॉल्यूशन को हमेशा हॉरिजॉन्टली देखना है। ये हो गया एग्जैक्टली आपका लोअर मेनिस्कस टच हो गया है आपका, आप यहाँ पे देख सकते हैं लोअर मेनिस्कस जो है ये टच हो गया है इसमें। तो ऐसे आपका ये स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन प्रिपेयर हो गया है। 0.63 वे किया है, अगर आपको M/20 बनाना है 100 ml के स्टैंडर्ड फ्लास्क के अंदर। अब जैसे ये प्रिपेयर हो जाता है तो हम ये जो कॉक है इसके ऊपर लगा के इसको टॉगल कर देते हैं ताकि ये जो पूरा सोल्यूशन है ये होमोजेनस हो जाए, तो पूरा एक जैसा सोल्यूशन हो जाएगा आपका। 4-5 बार आप इस तरीके से कर सकते हैं और ये आपका स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर हो गया। इसके बाद में मैंने यहाँ पर जो है KMnO4 का सोल्यूशन ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है, ये मैंने 250 ml के स्टैंडर्ड फ्लास्क के अंदर प्रिपेयर किया है। ये ब्यूरेट जो है ये इस तरह की है, ग्लास ब्यूरेट है ये, एंड इसमें 50 ml तक आपको मिल जाता है ये वॉल्यूम। आप देख पा रहे होंगे हर एक के बीच में जो है 1 ml का गैप है, 40, 41, 42, 43 इस तरीके से, और 44 और 45 के बीच में भी आप देख सकते हो। यहाँ पर ये जो ये वाला मार्क है ये 0.5 का है, इससे ऊपर 0.4, 0.3, 0.2 और 0.1, तो इस तरीके से आपको जो है पॉइंट में भी यहाँ पर रीडिंग मिल जाएगी। ये पिपेट है 10 ml की पिपेट है, इसी तरीके से 5 ml, 20 ml की भी पिपेट होती है, बट आपको टाइट्रेशन के लिए कौन सी चाहिए 10 ml की पिपेट। तो इसमें बीच में इस तरीके से बल्ब होता है, इसमें हम कभी भी इस तरीके से नहीं पकड़ते हैं, हमेशा पिपेट को इस तरीके से पकड़ा जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे हर पिपेट में ऊपर की तरफ आपको एक मार्क दिखेगा, तो ये जो 10 ml की पिपेट है इसमें यहाँ पर एक मार्क दिया हुआ है, तो आपको जो इसमें पिपेट आउट करना होता है सोल्यूशन, आपको सिर्फ यहाँ तक पिपेट आउट करना होता है, और इसमें आपको देखना होता है इसमें लोअर मेनिस्कस, क्योंकि ये कलरलेस सोल्यूशन है तो लोअर मेनिस्कस आपका यहाँ पर टच होना चाहिए, एंड देन आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। तो ये ब्यूरेट को सबसे पहले मैंने डिस्टिल वाटर से वॉश किया है, डिस्टिल वाटर से वॉश करने के बाद में इसको हम KMnO4 सोल्यूशन के साथ में वॉश करते हैं। तो इसमें आप थोड़ा सा अमाउंट ले सकते हैं, और ये पूरी जो ब्यूरेट है ये नीचे तक यहाँ तक वॉश होनी होती है। तो इसमें मैंने इतना KMnO4 का सोल्यूशन जो है ये फिल कर लिया है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो पूरी ब्यूरेट जो है ये पूरा यहाँ तक इसकी टिप तक वॉश हो चुकी है KMnO4 के सोल्यूशन के साथ में। इसके बाद में आप इसमें KMnO4 का सोल्यूशन फिल कर सकते हैं। जो सोल्यूशन है वो आपका अप्रॉक्सीमेटली 10 या 20 ml के बीच में तो आपकी रीडिंग आ ही जाएगी, तो आप इसके अंदर 0 ml नहीं तो आप 10 ml तक भी फिल कर सकते हो यहाँ तक। तो काफ़ी लोग जो है वो इस चीज़ को पूछ रहे थे कि इसमें 0 ml तक फिल करना है या फिर कहीं तक भी कर सकते हैं, तो आप इसमें कहीं तक भी फिल कर सकते हो क्योंकि इसमें 50 ml की ब्यूरेट है, इसमें आपकी रीडिंग आराम से आ जाएगी। तो जहाँ तक भी आपकी हाइट है आप उस अकॉर्डिंग भी फिल कर सकते हो, तो 10-15 जहाँ से भी आप फिल करोगे बस वहीं से आपको इसमें वॉल्यूम नोट डाउन करना है, दैट्स इट। ब्यूरेट में हम सोल्यूशन फिल करेंगे KMnO4 का फनल की हेल्प से, तो आपको फनल को भी पहले वॉश करना है। अगर आप इसमें वॉशिंग नहीं करोगे पहले और इसके अंदर डिस्टिल वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा, तो उसमें चांसेस हैं कि आप जब KMnO4 सोल्यूशन इसके अंदर फिल करोगे तो वो डाइल्यूट हो सकता है, तो जितना आपने वो प्रिपेयर करा है वो उससे इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाएगी, तो इसीलिए हम इसमें वॉशिंग करेंगे फनल की भी एंड ब्यूरेट की भी। तो ये आप देख सकते हो मैंने एग्जैक्टली 10 ml पर ये सोल्यूशन जो है फिल किया हुआ है, यहाँ पर मैंने फिल किया है,
और आपको ये हॉरिजॉन्टली देखना है, कलर्ड सॉल्यूशन है तो हम इसका अपर मेनिस्कस देखेंगे, अपर मेनिस्कस इसका टच कर रहा है 10 ml को। तो इस तरीके से आपको ब्यूरेट की फिलिंग करनी होती है। सॉल्यूशन आपका यहाँ नीचे की तरफ भी पूरा फिल होना चाहिए, अदरवाइज अगर आपका सॉल्यूशन फिल नीचे तक नहीं होता है तो इसमें क्या होगा कि आप यहाँ से तो उसको ओपन कर दोगे और आपका सॉल्यूशन जो है वो ऊपर से आपकी रीडिंग तो कम होनी शुरू हो जाएगी, यहाँ से 10 से 11 12 चली जाएगी और सॉल्यूशन आपका इसके बाद में कॉनिकल फ्लास्क के अंदर नहीं गया होगा, वो सिर्फ यहाँ से यहीं तक आया होगा, तो उससे आपकी रीडिंग गलत आएगी। वो तो आपको हमेशा देखना है कि आपकी फिलिंग के अंदर यहाँ तक सॉल्यूशन नहीं, पूरा इसके टिप तक फिल होना चाहिए, ताकि जैसे ही आप इसका ये जो कॉक है इसको ओपन करो तो सॉल्यूशन आपका जाए सीधा कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। तो ये आपका है कॉनिकल फ्लास्क, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया है उसको हम पिपेट आउट करके इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर डालते हैं पिपेट की हेल्प से। तो अब हम पिपेट की हेल्प से इसमें से 10 ml स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन को इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे। अब इसके अंदर है 10 ml ऑफ ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन स्टैंडर्ड जो मैंने इसके अंदर पिपेट आउट किया है। इसके बाद में मैंने इसमें डाला है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अप्रॉक्सीमेटली आप 10 ml इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में इसको हीटिंग पे रख देंगे। सो हीटिंग से रिमूव करने के बाद में हम इसकी डायरेक्ट टाइट्रेशन करेंगे विद KMnO4। तो इसमें क्या होगा कि रिएक्शन थोड़ी फास्ट हो जाएगी ऑक्सैलिक एंड KMnO4 की साथ में हीटिंग करने से। तो यहाँ पर जो भी इनिशियल रीडिंग है वो उसकी 10 ml है, 10.0 ml है, तो इसको इनिशियल रीडिंग को आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद में हम इसमें फिर से ऐसे ही करेंगे जैसे हमने मोर सॉल्ट के साथ में भी किया टाइट्रेशन, 1-1 ml हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो 1-1 ml डालेंगे, जहाँ पर भी 1 ml के बीच में मेरी रीडिंग आ जाएगी फिर उसके बाद में हम इसमें फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वाले जो कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग को लेंगे। तो पहले मैं इसके अंदर 1-1 ml डाल रही हूँ, तो इससे रफ रीडिंग से हमें एक आइडिया लग जाता है कि हमारी रीडिंग जो है वो कहाँ पर आने वाली है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा है, तो वही है कि रिएक्शन थोड़ी सी स्लो रहती है। तो यहाँ पर 1 ml मैंने डाला था लेकिन पूरा सॉल्यूशन का कलर जो है वो पिंक हो गया था, और थोड़ी देर तक आप इसको रखोगे तो वो डिसअपियर हो जाएगा। इसका मतलब ये कि आपका एंड पॉइंट है। अभी हमें इसके अंदर ऐड करना है 1-1 ml। तो अभी मैंने 10 से डायरेक्ट 11 ml तक ऐड किया था, अब 11 से डायरेक्ट हम 12 ml तक ऐड करेंगे इसके अंदर। तो ये 12 ml तक मैंने इसके अंदर ऐड किया है, कलर जो है वो डिसअपियर होगा अभी। तो ये हो गया कलर डिसअपियर, ये हो गया 13 ml तक, ठीक है। फिर से आपका कलर डिसअपियर हो गया है, ये 14.1 तक डल गया है, अभी भी कलर नहीं रुका। अभी हम डालेंगे 15 तक, ये मैंने 15 ml तक डाल दिया है, 5 ml डल चुका है अभी तक सॉल्यूशन। पूरा सॉल्यूशन का कलर डिसअपियर हो चुका है, बहुत स्लाइटली साइज के अंदर अभी भी है, मतलब ये ना पिंकिश टिंज है ना कुछ है, लेकिन ये प्योरली कलरलेस नहीं है अभी भी। तो मैं इसके अंदर फिर से 1 ml डाल देती हूँ, ये डल गया 16 तक। अब मैं इसको कितना भी शेक करते रहूं ये डिसअपियर नहीं होगा। तो फिर से वही है, मेरा जो रीडिंग है वो 5-6 ml के बीच में आएगी, ठीक है। जो टोटल अमाउंट यूज होगा वो 5-6 ml के बीच में आएगी मेरी कहीं भी रीडिंग। अब रीडिंग आपकी वेरी कर सकती है, डिपेंड करता है कि आपका सॉल्यूशन कितनी मोलैरिटी या नॉर्मैलिटी का बना है उसके अकॉर्डिंग। तो आपकी रीडिंग 10 पे भी आ सकती है, 11, 12, 13, 15 पे भी, 20 पे भी, कितनी भी आ सकती है रीडिंग्स।
तो यहाँ पर मैंने M/20 का ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है इन 100 ml स्टैंडर्ड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, और KMnO4 जो है वो आपको मान लीजिए ऑलरेडी गिवन है, तो आपकी रीडिंग उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने जो है इसमें थोड़ा इस तरीके से प्रिपेयर किया है कि आपकी रीडिंग जो है वो थोड़ी जल्दी आ जाएंगी, तो आपको इसमें थोड़ा वेट नहीं करना पड़ेगा एंड पॉइंट देखने के लिए, बिकॉज आपको जो है ये करना आना चाहिए रीडिंग आपकी चाहे कितनी भी देर में आए। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 ml में ही आ गई है, 5 point something ml इसमें लगेगा, 5 to 6 ml के बीच की रीडिंग है। ये इस तरीके का डार्क पिंक सोल्यूशन है, तो ये रफ रीडिंग है, इससे मुझे आइडिया लग गया है कि आंसर किसके बीच में आना है। अब हम एक फर्स्ट रीडिंग लेंगे इसके अंदर, फर्स्ट कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग, तो इसको मैं यहीं पर डिस्कार्ड करके दिखा देती हूँ आपको। इसको आप सिंक के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से बीकर वगैरह में नहीं, मुझे बार बार इसको जो है रखना पड़ रहा है इधर उधर, तो इसलिए मैं इसके अंदर करके दिखा रहा हूँ। तो इसको डिस्कार्ड करने के बाद में हम इसकी वॉशिंग करेंगे, 2 times आप वॉश कर सकते हैं। अब हम फिर से जो है ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन पिपेट आउट करेंगे पिपेट की हेल्प से, एग्जैक्टली इसको मैंने लिया है, अब इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 1 test tube डाल दो, ये 30 ml की है टेस्ट ट्यूब, तो थोड़ा सा इसमें से आप 2-3 ml इधर से कम करोगे ऊपर की तरफ से 10 ml जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली डाल सकते हो उसको, एग्जैक्ट कोई जरूरी नहीं है। ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, KMnO4 वाली टाइट्रेशन में आपको ऐड करना होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो पूरी 30 ml की है, इतना मैंने इसमें से कम किया तो अप्रॉक्सीमेटली 10 ml हो गया, ठीक है, ये 3 ml के बराबर ही होगा। इसके अंदर हम इसको ट्रांसफर कर लेंगे। अब इस रिएक्शन को थोड़ा फास्ट करने के लिए हम इसकी हीटिंग कर देंगे। हीटिंग आपको इतनी ही करनी है कि इसके नेक पे ना यहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाए और ये थोड़ा गर्म हो जाए सोल्यूशन। अभी ये नॉर्मल टेम्परेचर पे है, रूम टेम्परेचर पे इसका सोल्यूशन जो है, तो इसको आपको इतना वार्म कर लेना है। तो पहले हम इसको वार्म कर लेते हैं। वॉर्म जो है आप कर सकते हैं वाटर बाथ के अंदर, तो पहले आप बर्नर लगा के देन उसके ऊपर ट्राईपॉड स्टैंड वायर गॉस देन उसके ऊपर आप वाटर बाथ रख के वाटर उसके अंदर फिल करके उसको आप हीट करेंगे, उसके अंदर आप इस कॉनिकल फ्लास्क को रख के और इसको हीट कर सकते हैं सॉल्यूशन को, ठीक है, तो वो आपकी इनडायरेक्ट हीटिंग हो जाएगी इसकी। और यहाँ पर जो मैं हीटिंग कर रही हूँ ये मैं कर रही हूँ हीटिंग प्लेट के ऊपर, ये हीटिंग प्लेट है जिसके ऊपर ये सॉल्यूशन जो है डायरेक्टली हीटअप हो जाएगा। तो आइए हम हीटिंग कर लेते हैं। अभी हम इसको स्लाइटली वार्म करेंगे, सॉल्यूशन सिर्फ हल्का गर्म होना चाहिए या फिर आप इतना गर्म कर सकते हैं अगर आप ट्राईपॉड स्टैंड वायर गॉस के साथ में करेंगे वाटर बाथ के अंदर, कि इसके मॉइस्चर जो है इस नेक पर आपको दिख जाएगा थोड़ा, और सॉल्यूशन जो है ये वार्म हो जाएगा, ये आपको दिख जाएगा पूरा। जैसे ही वार्म हो जाता है इसको हम टाइट्रेट कर देंगे KMnO4 के साथ में। इसकी नेक पे आप देख सकते हो मॉइस्चर आ गया है यहाँ पे, तो बस अब आप इसको हीटिंग से हटा सकते हो। ये सॉल्यूशन जो है वार्म हो चुका है, इसको अब हम टाइट्रेट कर देंगे KMnO4 सॉल्यूशन के साथ में। तो इसकी आप डायरेक्ट टाइट्रेशन अब स्टार्ट कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर जो रीडिंग है ये एग्जैक्ट 16 पे है मेरी, तो अब हम 16 से स्टार्ट करते हैं। तो अब जो हमारी फर्स्ट ये कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग है इसे हम ड्रॉप वाइज एडिशन के साथ में लेंगे। आप राइट हैंड से इसको कॉनिकल फ्लास्क को पकड़िए और लेफ्ट हैंड से हम इस टॉप कॉक को पकड़ेंगे और आप इसको ओपन करिए इतना कि इसमें ड्रॉप वाइज जाए सॉल्यूशन जो है KMnO4 का, और इसको कॉन्स्टेंट स्टिरिंग करते रहना होता है। यहाँ पर ये सॉल्यूशन जो है मोर सॉल्ट की तरह नहीं है, थोड़ा टाइम लेगा डिसअपियर होने में, उसमें इंस्टेंटली जो है डिसअपियर होता जाता है KMnO4 का कलर, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो आप एक एक ड्रॉप डाल के और फिर एक ड्रॉप डाल के इस तरीके से कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर जो है इतना ml तो यूज हो चुके हैं अप्रॉक्सीमेटली 4.9 और 5। अब मेरे को पता है इसमें 5 टू 6 के बीच में एंड पॉइंट आएगा, तो हम इसमें ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे अब, क्योंकि अब एंड पॉइंट जो है वो कहीं पर भी आ सकता है, तो अब हम इसमें एक एक ड्रॉप करके ऐड करेंगे।
अभी भी कलर डिसअपियर हो रहा है इसमें। अब इसमें दो ड्रॉप्स डल गए हैं, एक ही ड्रॉप इसमें डालना होता है, ये ब्यूरेट की इसकी वजह से डली है इसमें दो ड्रॉप्स। ये इसमें एक ड्रॉप अगर आप कम डालेंगे तो वो आपका एंड पॉइंट था इसमें। अभी इसमें हम दोबारा टाइट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका मतलब इस पे जो एंड पॉइंट आना था ये 5.1 है, इसमें एक ड्रॉप एक्स्ट्रा डल चुकी है अभी। तो अभी हम इसके अंदर जैसे फर्स्ट कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग ली है, एक रफ थी जिससे मेरे को पता लगा कि 5 से 6 के बीच में आएगा, ये फर्स्ट कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग है, इसके अकॉर्डिंग 5.1 ml पे आना चाहिए आंसर। अब जैसे आपके सोल्यूशन चेंज हो जाएंगे, KMNO4 अलग किसी मोलैरिटी नॉर्मैलिटी का बना हुआ है और ये आपका अलग का है ऑक्सैलिक एसिड जो है, या फिर KMNO4 भी है, कोई सा भी है इनमें से, तो वहीं आपकी रीडिंग चेंज हो जाएगी, वहीं पर ही आपकी मोलैरिटी नॉर्मैलिटी जो भी चीज़ें हैं वो सारा डेटा अलग आएगा आपके पास में। फिर आपको टाइट्रेशन उसकी अकॉर्डिंग करनी है। अगर मेरी 10 से 11 के बीच में आ रही होती रफ वैल्यू, तो मैं 10 ml तक ड्रॉप वाइज ऐड कर लेती, उसके बाद में 10 के बाद में एक एक ड्रॉप करके ऐड करती, एक ड्रॉप करते शेक करके देखते, अगर सोल्यूशन परसिस्ट कर जाता कलर उसमें जो है तो वहीं पर हम स्टॉप कर देते। ऐसे करके आपकी तीनों जो है कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग आएंगी। अगर आप सही प्रोसीजर से करते हो तो आपका आंसर एकदम सही आएगा। तो ये थोड़ा डार्क है इसमें, इसमें एक ड्रॉप कम डलते KMNO4 की तो वो आपका एग्जैक्टली पिंक कलर होता सोल्यूशन का। तो अभी ऐसा पिंक कलर आया है, हम कॉनिकल फ्लास्क को वॉश करेंगे डिस्टिल वाटर के साथ में 2 times। पिपेट जो है इसको भी आपको वॉश करना होता है, डिस्टिल वाटर से वॉश करते हैं, जो सोल्यूशन है उससे भी आप कर सकते हैं। बाकी प्रोसीजर आप उसी तरीके से भी चल सकते हैं जैसा आपको सिखाया गया है, जो कॉमन प्रोसीजर है जिस तरीके से किया जाता है, जो आपकी बुक्स के अंदर भी दिया होगा, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर उसी तरीके से आपको बता दी हैं। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं इसके अंदर जो और कोई नहीं बताता है। यहाँ पर जो है इसको मैं, क्योंकि मेरा 5-6 ml की अप्रॉक्सी लगना है, तो यहाँ पर मेरी ब्यूरेट पूरी 50 ml की होती है, तो मैं यहाँ पे इसमें से थोड़ा सा वॉल्यूम निकाल रही हूँ, बिकॉज जो मेरी अभी KMNO4 की जो वॉल्यूम है ना वो कहीं बीच में है 21-22 के, तो मैं उसको एग्जैक्टली लेके आ जाती हूँ 22 या 23-24 इस तरीके से, क्योंकि उससे क्या है कि मुझे वॉल्यूम देखने में दिक्कत नहीं होगी। तो इनिशियल रीडिंग 22-23 इस तरीके से ले लेती हूँ मैं इसके अंदर। तो मैं बाकी का सोल्यूशन इसमें डिस्कार्ड कर देती हूँ। तो ये रीडिंग हो गई है एग्जैक्टली 22 पे। अभी हम इसके अंदर से 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन पिपेट आउट कर लेते हैं। अब हम ऐड करेंगे इसमें 10 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसमें ऐड कर रही हूँ। तो अब ये सोल्यूशन है, इसमें 10 ml स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन है और 10 ml अप्रॉक्सीमेटली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। अब हम इसको रखेंगे हीटिंग प्लेट के ऊपर, इसको हम थोड़ा सा वार्म कर देते हैं, इतना ही कि इसके नेक पे मॉइस्चर आ जाए, और इससे आपकी रिएक्शन जो है थोड़ी फास्ट हो जाएगी। उसके बाद में भी आप देख सकते हो कि डिसअपियर होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, उस रिएक्शन को होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए हम इसकी हीटिंग करेंगे अभी। अभी आप देख सकते हो उसकी नेक पे मॉइस्चर आ चुका है, यहाँ पे नेक पे मॉइस्चर है इसके। तो अभी इस सॉल्यूशन को मैंने हीटिंग से रिमूव किया है और अभी हम इसको स्टार्ट कर देंगे टाइट्रेशन। अभी जो इनिशियल रीडिंग है वो 22 पे है, तो अभी हम इसमें करेंगे ड्रॉप वाइज एडिशन कॉन्स्टेंट स्टीरिंग के साथ में। आप स्टार्टिंग ये ड्रॉप्स डालेंगे तो यहाँ पर थोड़ा
कलर चेंज होने में टाइम लगेगा, तो आपको थोड़ा सा रुक जाना है, एक बार ये डिसअपियर हो जाएगा, उसके बाद में इसमें रिएक्शन फटाफट से होती रहती है। अब जल्दी जल्दी डिसअपियर होगा इसके अंदर कलर। अभी यहाँ पे 3 ml यूज हो चुका है। इससे पहले वाली जो रीडिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 5.1 ml पे आनी थी, उसमें से 1 drop एक्स्ट्रा गई थी, तो अभी 4.9 पे आ चुकी, 4.8 पे। तो हम इसमें ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे, ड्रॉप वाइज आप ऐड कर सकते हैं और सॉल्यूशन को शेक करेंगे। अभी भी कलर डिसअपियर हो गया है। अभी है ये 5.1 ml पे। तो जहां पर मैंने कहा था कि इसमें 1 drop कम ऐड होनी थी, तो आपको कुछ इस टाइप का ही कलर मिलता। तो 5.1 ml है जो इसमें कॉनकॉर्डेंट रीडिंग है। तो इसमें मैंने आपको 2 करके दिखा दी है। इसी तरीके से सेम टू सेम थर्ड भी आपको प्रोसीड करनी होती है प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, और ऐसे आपकी 3 रीडिंग सेम टू सेम आएंगी। तो ये पेल पिंक कलर है, ये पेल पिंक कलर आएगा आपका सॉल्यूशन का इस तरीके से। इसमें ना ही 1 drop कम होनी चाहिए, ना ही 1 drop ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा है तो आपकी रीडिंग फिर वो 5.2, 5.3 शो करेगा इसके अंदर। अब हम देख लेते हैं इसमें ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस। सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस के ऊपर आते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने स्टेप क्या किया था, हमने स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड का सोल्यूशन प्रिपेयर किया था M/20 का 100 ml के अंदर। तो ये आपका ए स्टेप आपका कम्प्लीट हो गया। अब जब हमने स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर कर लिया, इसके बाद में हम क्या करेंगे, टाइट्रेशन करेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड की KMnO4 के साथ में। तो फिर हमने जब KMnO4 के साथ में टाइट्रेशन परफॉर्म की, उसके अंदर हमने क्या क्या चीजें ली हैं, क्या क्या हमने परफॉर्म किया है, वो भी आपको ऐसे लिखना होता है। सबसे पहले हमने क्या करा, स्टैंडर्ड जो हमारा सोल्यूशन है उसको पिपेट आउट किया कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। तो कितना आपने पिपेट आउट किया है वो वॉल्यूम आपको लिखना होता है। यहाँ पर मैंने 10 ml पिपेट आउट किया है, 10 ml लिख देंगे। सो वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड पिपेटेड आउट इन कॉनिकल फ्लास्क इज 10 ml। ठीक है, तो ये 10 ml पिपेट आउट किया है। इसके बाद में हमने इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला अप्रोक्सीमेटली 10 ml। तो यहां पर मैंने लिख दिया अप्रोक्सीमेटली 10 ml डाइल्यूट H2SO4 इन कॉनिकल फ्लास्क। इसके बाद में देखिए मैंने 3 चीजें और लिखी हैं, ब्यूरेट में क्या है, इंडिकेटर क्या है और एंड पॉइंट क्या है। इस टाइट्रेशन के अंदर ब्यूरेट के अंदर हमने क्या भरा भाई, KMnO4 लेते हैं ब्यूरेट में। तो आप लिख सकते हैं ब्यूरेट के अंदर क्या है आपका, KMnO4 सोल्यूशन। नेक्स्ट चीज है इंडिकेटर। इस टाइट्रेशन के अंदर हमें इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि KMnO4 जो है ना वो सेल्फ इंडिकेटर है। KMnO4 जो मैंने लिया है वो एक खुद ही इंडिकेटर है, तो वो खुद ही बता देता है कि आपकी रिएक्शन जो है वो कहां पर हो चुकी है और आपका एंड पॉइंट आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे अलग से कोई इंडिकेटर आपको डालने की जरूरत नहीं है। तो KMnO4 जो है ना वो आपका एक सेल्फ इंडिकेटर होता है, ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। तो इंडिकेटर जो है इसके अंदर आप लिख सकते हो कि KMnO4 एक्स एज सेल्फ इंडिकेटर। ठीक है, जहां पर कोई सेल्फ इंडिकेटर नहीं होता है जिन रिएक्शंस के अंदर, वहां भी हम बाहर से इंडिकेटर डालते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मिथाइल ऑरेंज है, फिनोफ्थलीन है, तो वो इंडिकेटर हम एक्सटर्नली डालते हैं। यहां पर आपका ये खुद ही इंडिकेटर है, तो यहां पर हमें इसलिए डालने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका इंडिकेटर के लिए। एंड पॉइंट आपका सिंपली है कि कलरलेस सोल्यूशन था। इनिशियली जब आप पिपेट आउट करके डाल देते हो, H2SO4 में डाल देते हो, सोल्यूशन आपका कलरलेस ही रहता है। उसके बाद में जैसे ही आप टाइट्रेशन के लिए प्रोसीड करते हो, तो आपकी जस्ट 1 drop जाती है KMnO4 की सोल्यूशन में और आपका पेल पिंक कलर आपको ऑब्जर्व हो जाता है, एकदम लाइट पिंक कलर आता है। तो आप लिख सकते हैं कलरलेस टू पेल पिंक। ठीक है, पेल पिंक है।
पेल का मतलब एकदम हल्का पिंक जो होता है, तो एकदम लाइट पिंक कलर आना चाहिए, तो एकदम हल्का पिंक ये आपकी आती है। अब यहाँ पर जो है मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आपने इसमें एक रीडिंग ली, दो रीडिंग ली, तीन रीडिंग ली, आपके ऐसे तीन कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स आती हैं, उन रीडिंग्स को हम कैसे लिखते हैं, टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखते हैं। तो इस तरीके से आपने जो है ब्यूरेट ली थी, इसमें KMnO4 का हमने सोल्यूशन फिल करा था, तो यहाँ पे KMnO4 का सोल्यूशन है, नीचे आपका कॉनिकल फ्लास्क है, इसके अंदर आपका स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड 10 ml, डायल्यूट एस्ट्रोसफोर आपका 10 ml, और फिर हमने टाइट्रेशन के लिए प्रोसीड किया था। अब यहाँ पर जब आप KMnO4 फिल करते हो तो एक जनरली आप एक बिल्कुल एग्जैक्ट मार्क तक आप फिल करो, जिसकी आपका 10 है, 12 है, 13 है, 17 है, ऐसे करके, ठीक है, तो वहां से आपको रीडिंग देखने में बहुत आसानी होती है। अदरवाइज आपका पॉइंट अगर बीच में इस तरीके से आता है तो आपको दिक्कत होगी बहुत देखने में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आप एग्जैक्ट पॉइंट तक फिल करो उसको। तो ये आपका अगर मान लो कि ये 10 ml था इनिशियल जो रीडिंग थी, तो एक यहाँ पे रीडिंग थी आपकी, और जब आपने टाइट्रेशन के लिए प्रोसीड किया तो यहाँ तक आके आपका एंड पॉइंट आ गया। तो इतना ml क्या है, KMnO4 का आपने यूज कर लिया टाइट्रेशन के लिए, तो ये आपकी क्या थी, इनिशियल रीडिंग थी। तो मैं मान लेती हूँ ये V1 ml होगा और ये चला गया V2 ml पे, जहां पे मेरी टाइट्रेशन स्टॉप हो गई, ठीक है, एंड पॉइंट आया। तो यहाँ पे 10 ml था और इधर कितना था, 22 ml था, 22 ml पे आई मेरी रीडिंग। तो ये आपकी इनिशियल थी, ये आपकी फाइनल थी रीडिंग। तो हम कैसे निकालते हैं कि कितना KMnO4 यूज हुआ होगा, आपकी कितनी रीडिंग गई है फाइनल वाली, देखो हम निकालते हैं इसको V2 और इनिशियल थी कितनी V1, तो V2 में से हम V1 ml को माइनस कर देते हैं। तो V2 माइनस V1 ml अगर आप करोगे तो आपके पास में एक वॉल्यूम आएगा, मान लो V3 ml आ रहा है, तो यानी कि उतना वॉल्यूम आपने KMnO4 का यूज कर लिया, ठीक है, वो आपकी कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग आनी चाहिए, तीनों बार सेम टू सेम आनी चाहिए। अगर आपकी 10.3 आ रही है तो तीनों बार 10.3 ही होनी चाहिए, अगर एक भी बार सेम नहीं आती है ना तो वो आपकी कॉन्कॉर्डेंट नहीं मानी जाती, फिर तीनों बार आपकी एकदम सेम टू सेम रीडिंग आनी चाहिए, और आती भी है अगर आप ठीक से परफॉर्म करते हैं तो। तो यहां से अगर आप निकालोगे ना कि आपने 10 ml से शुरुआत की थी और मेरा जो है ना 22 ml पे आ गया एंड पॉइंट, देखो पिंक कलर आ रहा है इस तरीके से, तो आप क्या करोगे 22 में से 10 को घटाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि 12 ml यूज हुआ है KMnO4 का वॉल्यूम। अब यहाँ पे इन रीडिंग्स को लेते ही आपने एक रीडिंग ली, उस एक रीडिंग को लेने के बाद में आप यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हो, ये आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल होती है इस तरीके से, यहाँ पे आप डाल लो सीरियल नंबर, यहाँ पर लिखते हैं ब्यूरेट रीडिंग ब्रैकेट में लिख दो इन ml, ml के अंदर है, इसी के राइट हैंड साइड में कॉलम बनता है वॉल्यूम ऑफ KMnO4 सोल्यूशन Used in ml, ब्यूरेट रीडिंग के नीचे आती है दो रीडिंग ले रहे हैं ना हम, एक इनिशियल लेते हैं, एक फाइनल लेते हैं, कहां से शुरू करा था, कहां पे खत्म करा था, तो एक इनिशियल हो गई आपकी रीडिंग, एक हो गई फाइनल रीडिंग। देखो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, यहां पर मैं ज्यादा नहीं लिख रही हूं अभी, देखो यहां पर ये है आपकी ml में, ये भी है आपकी ml में, ये सारी चीजें आपको बुक्स वगैरह में मिल जाएंगी, तो यहां से आप सिर्फ समझ सकते हो करते कैसे चीजों को। यहां से आपकी एक रीडिंग, दो रीडिंग, तीन रीडिंग, एक तो देखो रफ लेते हैं हम, ठीक है, अगर मान लो हमें नहीं पता, हमें कोई आइडिया नहीं होता सोल्यूशन कितने उसका बना हुआ है, तो हम क्या करते हैं एक एक ड्रॉप डालते रहेंगे, ड्रॉप डालते रहेंगे, आपको आधा घंटा ऐसे निकल जाएगा, आपको नहीं पता लगेगा कहां पर रीडिंग आनी है। मान लो अगर आपका 22 ml पे आंसर आना है तो आप एक एक ड्रॉप डाल डाल के यही करते रहोगे, बाकी सबका आंसर आ भी चुका होगा। तो सबसे सिंपलेस्ट वे क्या होता है कि आप सीधा सीधा एक एक ml डालो, एक ml डालने से यही होता है कि आपको इससे आइडिया मिलता है कि 1 से 2 के बीच में मेरा आंसर आने वाला है, आपको आइडिया मिलता है कि 18 से 19 के बीच में मेरी रीडिंग आने वाली है, ऐसे आप ज्यादा भी नहीं डाल सकते क्योंकि वहां से भी आपकी क्या है रेंज बढ़ जाएगी ना, तो आपको पता कैसे चलेगा कहाँ आंसर आने वाला है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको क्योंकि बिल्कुल भी आपको नहीं पता होता, अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है इस चीज में, तो यहाँ पे उस चीज को सर्टेन बनाने के लिए हम क्या करते हैं एक ml डाल देते हैं। तो यहाँ पे एक एक ml डालने से ना आपको थोड़ा एक आइडिया लग जाता है, कम टाइम के अंदर आपको पता लग जाता है कि यहाँ यहाँ पे आंसर आने वाला है। अब जब नेक्स्ट टाइम आप परफॉर्म करोगे तो उस रेंज में आते ही जितना ml आपका वो आने वाला होगा जहां पे आपकी रफ रीडिंग आई है, वहां पे पहुंचते ही आप जो है थोड़ा ध्यान से रीडिंग्स को देखोगे एक एक ड्रॉप वाइज डाल के, क्योंकि तब आपको पता होगा कि हाँ अब आने वाला है मेरा आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम करते हैं, वैसे जो है डायरेक्ट क्या दिखाते हैं यहाँ पे कि आपने तीन कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग ली है, रफ वाली नहीं, तो यहाँ पे क्योंकि रफ वाले तरीके से वैसे परफॉर्म थोड़ा ना करते हैं एक्सपेरिमेंट,
टाइट्रेशन जो है ये आप इसी तरीके से करते हो, ड्रॉप वाइज ऐड करते हो कॉन्स्टेंट स्टीरिंग के साथ में, और ऐसे ही करी जाती है टाइट्रेशन। स्लो एडिशन करना होता है, एक एक ड्रॉप डाल डाल के, ये होती है एक्यूरेट टाइट्रेशन, ठीक है। पर क्योंकि यहाँ पे हमें टाइम को भी देखना होता है तो इसीलिए मैंने इस तरीके से बता दिया कि पहले आप रफ लो एक एक एमएल डाल के, और फिर आपको उससे आइडिया लग जाएगा, और फिर आप जो तीन कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग है इनको एग्जैक्ट तरीके से करो एक एक एमएल डाल के ही, जैसे हम करते हैं परफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ से ना आपकी एक इनिशियल रीडिंग आएगी। अब जैसे यहाँ पे अगर मैंने जीरो से स्टार्ट किया और दस तक चली गई तो यहाँ पे आ गई आपकी 10 ml, ठीक है। यहाँ पे ना रीडिंग चेंज कर लेते हैं, तो मैं उसमें आपको कैलकुलेशन दिखाऊंगी तो उसमें हम उस रीडिंग को पुट कर लेंगे। मान लो कि हमारा जो मैंने स्टार्ट किया वो 0.0 से स्टार्ट किया और 11.5 आ रही मेरी रीडिंग, फिर मैंने सेकेंड टाइम परफॉर्म किया। अब यहाँ पे भी देखो काफी लोग जो पूछ रहे थे कि 11.5 तक आ गया, फिर से इसको फिल करना है क्या? नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। आपके पास से पूरी 50 ml की ब्यूरेट है, आप वहीं से कंटिन्यू करो ना अपनी टाइट्रेशन। एक जो आपकी 50 ml की ब्यूरेट है, आपका सिर्फ 11.5 ml लग रहा है और आपको सिर्फ तीन रीडिंग लेनी है, तो आप 11.5 11.5 11.5 आराम से तीन रीडिंग ले सकते हो उसके अंदर, ठीक है। तो आप 11.5 से ही नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करो, फिर 11.5 से आपकी नेक्स्ट वैल्यू तक जाएगा, फिर यहाँ पे आपकी रीडिंग आएगी कितनी, 11.5 × 2 कर दो, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 23। तो आपकी 23.0 तक जाएगी, तो फिर 23.0 से फिर आपकी एक नेक्स्ट रीडिंग तक जाएगी, तो यहाँ पे फिर से आपका कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 11.5 आएगा, यहाँ पे भी 11.5 आएगा। तो यहाँ पे जो ml यूज होगा वो तो आपका वही रहा ना 11.5। और अगर आपकी रीडिंग जो है, मान लो कि आपका जैसे टाइट्रेशन करते हुए हमारी जो वैल्यू है ना वो हमारी पहुंच गई है 41 ml पे, 50 ml की ब्यूरेट है, 41 पे हमारी रीडिंग पहुंच गई है, और तब मेरी जो रीडिंग है ना वो 11.5 की आ रही थी, तो तब मैं क्या करूंगी, तब मैं सोल्यूशन को फिल कर लूंगी, क्योंकि जो मेरी वॉल्यूम है वो कम पड़ रही है KMnO4 की, तो मेरा वॉल्यूम जो यहाँ पे कम पड़ जाएगा और नीचे मैं इसको सोल्यूशन को लेके नहीं जा सकती हूँ क्योंकि वहां से मुझे रीडिंग नहीं मिलने वाली। तो हम फिर KMnO4 का सोल्यूशन फिर से फिल करते हैं, तो हमें ये देखना होता है, हमें इतना पता होना चाहिए कि हमारा कितना एमएल लग सकता है उतना वॉल्यूम हम इस ब्यूरेट में रखें, ठीक है, ताकि रीडिंग आराम से ली जा सके। तो उतना वॉल्यूम आपका होना चाहिए, अगर यही ये 31 होता कर लेते टाइट्रेशन, 11 पे तो आ रही रीडिंग, ठीक है, बहुत है 20 ml आपके पास में लगभग। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको करना होता है, आई थिंक और कोई पॉइंट इसमें मिस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको लेना होता है। अब इसके बाद में मैंने इसमें कहा कि आपको तीन कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग लेनी है, जैसे आपकी तीनों वैल्यू सेम आ गई तो बहुत बढ़िया आपके लिए। तो यहाँ पर आपको लिखना होता है इस टेबल के नीचे कॉन्कॉर्डेंट टाइटर वॉल्यूम, क्या लिखना होता है इसके नीचे, कॉन्कॉर्डेंट टाइटर वॉल्यूम। कॉन्कॉर्डेंट टाइटर वॉल्यूम के नीचे हम इस टेबल के नीचे ना एक बार में वैल्यू बता देते हैं कि मेरी इतनी कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग आई है। अब जैसे आपकी 10.5 आई है तो आप लिखोगे 10.5, मेरी 11.5 आई है तो मैं लिखूंगी 11.5। अब ये आपने क्या करा, ये ऑब्जर्वेशन थी आपकी, ये आपने देखा जो चीज आ रही है आपको वही इसमें लिखना होता है। अगर आपके सोल्यूशंस बदल गए हैं तो आपको जो दिया हुआ है जितने का भी आपको प्रिपेयर करना है, जितनी भी आपकी रीडिंग आ रही है ना मतलब उतनी ही लिखा करो, किसी का देख के नहीं लिखना आता आपको। और यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ ये भी जस्ट रफ ही है, ये सिर्फ आइडिया देने के लिए है वीडियो, ठीक है, कि आपको करना कैसे होता है परफॉर्म। बाकी जो आप परफॉर्म कर रहे होते जिस टाइम पे, उस टाइम पर आपका जो जो आएगा वो आपको रिपोर्ट करना होता है। करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब हम इसके अंदर ना कैलकुलेशंस देखते हैं। रीडिंग तो आपकी आ गई, रीडिंग आने के बाद में आप कैलकुलेशन किस तरीके से करोगे कि आपकी जो KMnO4 है उसकी आप मोलैरिटी को फाइंड आउट कर सको। तो देखिए जो आपकी रिएक्शन है क्या हो रही है, आपका KMnO4 है, यहाँ पे आपका ऑक्सैलिक एसिड है, H+ मीडियम हमने प्रोवाइड किया है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये किस में जा रहा है, Mn2+ में जा रहा है, तो ये Mn2+ में जा रहा है, ये आपकी CO2 के बाद। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है इस रिएक्शन से, ये तो रिएक्शन हो रही है ये आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे इसकी बैलेंसिंग भी आपको आनी चाहिए, बहुत इजी है, उसके ऊपर अलग से वीडियो हो सकती है। यहाँ पर है आपकी MnO4 और इस पर ध्यान देते हैं, इन दोनों पे अगर हम ध्यान देते हैं तो यहाँ पे जब आपका 2 mol KMnO4 का यूज हो रहा है, KMnO4 का कितना यूज हो रहा है, 2 mol, तो आपका कितना यूज हो रहा है, 5 mol ऑक्सैलिक एसिड, OA का मतलब है ऑक्सैलिक एसिड। तो अगर आपकी रिएक्शन जो है वो ये है कि 2 mol अगर मेरा KMnO4 का लगता है तो 5 mol किसका यूज हो रहा है, ऑक्सैलिक एसिड का, रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखो। तो यहाँ पे इन दोनों को इक्वल करने के लिए, इन दोनों को इक्वल करने के लिए मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा,
पांच से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ कितने से करना पड़ेगा, दो से, ठीक है। यहाँ पे फाइव से मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी और यहाँ पे टू से कर देंगे तो दोनों जगह जो है वो बराबर हो जाएगी। तो ये वाली टर्म जो है ये वाले इसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है ना फॉर्मूला होता है एम वन वी वन बराबर एम टू वी टू के। एम वन वी वन के एम एन ओ फोर की हो गई मोलैरिटी और वॉल्यूम, और एम टू वी टू हो गया ऑक्सैलिक एसिड के लिए। तो यहाँ पे इन्हें बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आप एम वन वी वन लोगे किसके लिए, के एम एन ओ फोर के लिए, उसमें आप करना पड़ेगा फाइव से मल्टीप्लाई, और क्या होता है एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू। जो आप एम टू वी टू लिखोगे किसके लिए, ऑक्सैलिक एसिड के लिए, उसमें आपको करना पड़ेगा किससे, टू से मल्टीप्लाई। तो यहां कर देंगे टू से और यहां कर देंगे फाइव से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका फॉर्मूला बनता है। सिंपल में अगर इसको लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा आपका फाइव एम वी लिख दो, या फिर एम वन वी वन भी लिख सकते हैं। ये है आपका के एम एन ओ फोर के लिए, ठीक, और ये आपका हो जाएगा टू, ये एम वन ई वन इज इक्वल टू एम टू ए टू फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ये के एम एन ओ फोर के लिए, तो दूसरा वाला किसके लिए, ऑक्सैलिक एसिड के लिए। मोर सॉल्ट होता है तो मोर सॉल्ट के लिए होता है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या निकालना है, मोलैरिटी ही तो निकालनी है, यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ से मोलैरिटी निकालनी है के एम एन ओ फोर की, बाकी सब तो हमें पता ही है। तो मोलैरिटी ऑफ के एम एन ओ फोर अगर मैं यहाँ से लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम उधर भेजो के एम एन ओ फोर का, फाइव को उधर भेजो, तो ये टू इधर था, ये फाइव इधर कहां चले जाएगा, डिवाइड में। इधर देखो एम एम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड टू हटा देते हैं हम यहाँ से, मोलैरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इधर है, इधर से वॉल्यूम ऑफ के एम एन ओ फोर आप लिखोगे यहाँ नीचे, ठीक है। तो फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है, आप समझ रहे हो कैसे है फॉर्मूला ये। अब इसके अंदर देखो मोलैरिटी मुझे यहां से फाइंड आउट करनी है, कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहां पे देखिए आप मोलैरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड की मोलैरिटी कितनी है, हमें कितनी उसका प्रिपेयर करना था, 1/20, ठीक है, तो m बाई 20 का था, तो इसकी जगह पे लिख दो 1/20, 1/20। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ये कौन सा वॉल्यूम है जो मैंने पिपेट आउट किया था, जो मैंने पिपेट आउट किया था 1/20 मोलर सोल्यूशन का, तो ये कितना पिपेट आउट किया था मैंने, 10 ml, तो 10 लिख दो उसकी जगह पे। नीचे आपका वॉल्यूम ऑफ के एम एन ओ फोर, ये कौन सा वॉल्यूम है जो मेरा आया था ब्यूरेट से, ब्यूरेट से जो मैंने रीडिंग माइनस करके निकाली थी, जो मैंने टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखी थी, वॉल्यूम ऑफ के एम एन ओ फोर यूज्ड, कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग जो होती है उसको लिखता हूँ यहाँ नीचे, तो ये वो वाला वॉल्यूम है। तो मान लेते हैं 11.5 आ रही है, ठीक है, तो ये वैल्यू पता, ये भी पता, ये भी पता, कैलकुलेट करो, निकाल दो मोलैरिटी ऑफ के एम एन ओ फोर, सिंपल है। तो यहां से आपकी निकल जाएगी मोलैरिटी ऑफ के एम एन ओ फोर, मोलैरिटी निकल जाएगी बस यहाँ से, और कुछ आपको इसके अंदर करना है। स्ट्रेंथ भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, मोलैरिटी को सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर देना होगा 158 समथिंग से, बस ऐसे करके आप स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हो। मेन चीज क्या है, मोलैरिटी आपको फाइंड आउट करनी होती है, तो जो भी आपका ये वैल्यू निकल के आएगी 158 से मल्टीप्लाई कर लेना, स्ट्रेंथ वगैरह भी आपकी निकल जाएगी इस तरीके से। तो इस तरीके से हम पूरा एक्सपेरिमेंट को जो है परफॉर्म करते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक कर दें, और जैसे ही हमने ऑक्सैलिक एसिड और के एम एन ओ फोर की टाइट्रेशन को परफॉर्म किया है, इसी तरीके से आप मोर सॉल्ट की भी वीडियो मेरी देख सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगी, उसमें भी मैंने किस तरीके से परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा इनमें डिफरेंस है दोनों ही एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, तो आप जरूर से इस वीडियो को देखिएगा। बस यही थी हमारी आज की वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही मैं आपके लिए और अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती रहती हूँ। मैंने आपके साथ में पहले भी ऐसी वीडियोस शेयर की हैं, तो उसमें मैं जितना आपको दिखा पाई हूँ, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हो जाकर, टाइट्रेशन ऑफ के एम एन ओ फोर विद मोर सॉल्ट एंड विद ऑक्सैलिक एसिड, ये रिसेंट है जो मैंने आपके साथ में अभी शेयर की है। इसके अंदर भी मैंने आपके साथ में कंप्लीट डिटेल्स बताई हैं कि कैसे कैसे हम प्रोसीड करते हैं टाइट्रेशन के लिए। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल लगी होगी, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें, और ऐसी ही और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।